आज हम जर्नी करने वाले हैं दिल्ली के एक EMU ट्रेन में जो कि गाजियाबाद से आ रही है, लेकिन जो आज हमारी जर्नी होने वाली है वो होगी न्यू दिल्ली से लेके ओल्ड दिल्ली तक। तो ये जर्नी जो मैं इसलिए कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है जर्नी को करते हुए, फिर भी मैंने सोचा एक नया मतलब कुछ नया दिखाने को मिलेगा इस रूट से, क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें इस रूट का पता हो। जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं इन्हें मतलब दिल्ली में आना है और दिल्ली से ओल्ड दिल्ली जाना है, क्योंकि उनकी दूसरी ट्रेन जो है वो वहीं से है, तो आप समझ सकते हैं उनको इस रूट का पता नहीं है, तो वो जाते हैं बाहर और कैब वगैरह बुक करते हैं। कैब में अप टू 100 रुपीज़ उनके खर्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आप सिर्फ 10 रुपये में न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली पहुँच सकते हैं। और जो यहाँ का डिस्टेंस है इस रूट का वो सिर्फ 3 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूँ ये जो जर्नी है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी स्वर्ण शताब्दी अमृतसर न्यू दिल्ली अमृतसर जो स्वर्ण शताब्दी थी वो मिस हो गई है। क्यों मिस हो गई है? क्योंकि मैं ऑन बोर्ड था लखनऊ मेल में और आज जो लखनऊ मेल है वो 20 मिनट डिले के साथ आई है। तो मैं प्लेटफॉर्म मतलब 16 पे उतरा था और जो हमारी स्वर्ण शताब्दी थी वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरह निकल चुकी थी। तो मैंने करंट में दिल्ली पठानकोट में अभी टिकट बुक की है और UTS ऐप से मैंने इस ट्रेन की बुकिंग की है, जिसके लिए मुझे 10 रुपये देने पड़े। अच्छा लगा कि एक बेस्ट कनेक्टिविटी मिल रही है हमें न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली के बीच में, नहीं तो मुझे मतलब टाइम मेरे पास बहुत कम है, 1 घंटे का समय है सिर्फ मेरे पास अभी, और दिल्ली पठानकोट का जो निकलने का समय वो 8:15 का है, तो वो ट्रेन भी मुझसे मिस हो सकती है। इसीलिए मेरे को लगा कि ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि मैं ट्रेन से जाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस रूट को भी दिखाया जाए। तो चलो अब आप मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करो। पहली बार मैं दिल्ली EMU में ऑन बोर्ड हुआ हूँ, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा इस रूट को। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, 10 मिनट तक की ये वीडियो रहने वाली है, और हो सका तो मैं आपको आगे अपनी जो शताब्दी एक्सप्रेस भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो अभी निकली है, मतलब कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसके पीछे पीछे ये निकल गई है ट्रेन। और सच बता रहा हूँ मैंने इस ट्रेन में बैठने के बाद UTS ऐप से इस ट्रेन की बुकिंग की है। पहले मैं इस ट्रेन में ऑनबोर्ड हुआ हूँ, उसके बाद मैंने बुकिंग की है। तो जैसा कि अभी आप सामने देख सकते हो, मैंने बताया था वो देखो जा रही है हमारी अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये हम आ चुके हैं सदर बाज़ार में और ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप है, यानी कि न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली के बीच में ये स्टेशन पड़ता है और यहीं से जो ओल्ड दिल्ली की लाइन है वो चेंज हो जाती है, और इस साइड जो हमारे लेफ्ट साइड से लाइन जा रही है वो चली जाती है पानीपत होते हुए अम्बाला की साइड, और हम जा रहे हैं ओल्ड दिल्ली की साइड। और मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी देना चाहता था इसके साथ ही, तो मैं आपको बता दूं अगर आप कनेक्टिंग जर्नी करते हैं, एक ऑप्शन आता है IRCT में, आपको और कहीं से नहीं, अगर आप फ़ोन पे PayTM अगर इन जगह से आप अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप IRCT कनेक्ट ऐप और IRCT की वेबसाइट्स पे जाके अगर आप बुकिंग करते हैं तो वहाँ आपको एक कनेक्टिंग जर्नी का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपनी जर्नी को कनेक्ट कर सकते हो। उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जो नेक्स्ट ट्रेन होगी आपकी, अगर पहली ट्रेन लेट हो जाती है तो आपको रिफ़ंड मिलेगा, स्टेशन मास्टर के पास जाना अपनी टिकट लेके, तो वो देखेगा अगर आपको दूसरी ट्रेन में अगर सीट अवेलेबल दे सका तो दे देगा, अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड देने का प्रोसेस होगा जो उनका, वो आपको समझा देंगे कैसे करना है। अगर वैसे तो अगर जितने चांसेस रहते हैं कि आपको दूसरी ट्रेन में वो भेज सके ऐसा ही होता है, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जो मेरा यहाँ मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मैं कनेक्टिंग जर्नी करना भूल गया था, और वैसे भी इस जर्नी के लिए कनेक्टिंग जर्नी वैलिड भी नहीं होती क्योंकि सिर्फ 20 मिनट का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है। अगर बात की जाए इसके टाइमिंग की, मेरे जो लखनऊ मेल का आने का टाइम था यहाँ पे 6:55 का था, और जो
स्वर्ण शताब्दी के निकलने का समय था वो 7:20 का था, और यहाँ हमारी जो ट्रेन है वो 20 डिले के साथ आई है। तो जो आधे घंटा भी मतलब पूरा कहा जाए तो यहाँ पे 30 का गैप भी नहीं है, तो इसे वैलिड रीज़न तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए इसे कनेक्टिंग जर्नी कहना बेकार है। और इसमें प्रॉपर गलती जो कहलाएगी एक तरीके से मेरी कहलाएगी, मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, यानी कि और थोड़ा लेट 8:30 तक की ट्रेन को सर्च करना चाहिए था, बट मैंने मतलब मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, इसलिए मैंने उस ट्रेन को लिया। और ऐसा वैसे तो ये जो हमारी लखनऊ मेल थी वो पूरे रास्ते सही आई थी, बस रास्ते में गाज़ियाबाद के बाद थोड़ा मतलब जैसे आप लोगों को पता है एंटर करते दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लेती है, शिवाजी ब्रिज पे और तिलक ब्रिज पे ये ट्रेन रुक गई थी, इस वजह से हमें 20 डिले हो गया। अदरवाइज़ बिल्कुल पंचुअल ट्रेन थी। मैं यहाँ लखनऊ मेल की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेन थी। अगर अभी तक आपने उस जर्नी को नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हो, वो जर्नी मेरी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रही है, आप लोग भी जाके उसे ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और जर्नी, इसी तरह की नहीं ये तो ऐसे ही है, जस्ट ये आपको समझाने के लिए था, आप लखनऊ मेल जैसी जर्नी और ज़्यादा देख सके। तो यहाँ हम 3 का डिस्टेंस कवर करके आ चुके हैं ओल्ड दिल्ली जंक्शन में। सो डेट्स ऑल गाइस, ये थी हमारी एक छोटी सी जर्नी न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली तक की, और आई होप मैं आप लोगों को कुछ समझा सका हूँ इस छोटी सी वीडियो के थ्रू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप लोग पहले से जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग इस रूट पे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। तो बस इतना ही था इस जर्नी में, आई होप आप लोगों ने इस जर्नी को, छोटी सी जर्नी को एंजॉय किया होगा मेरे साथ। तो चलो अब मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट जर्नी यानी कि दिल्ली पठानकोट की जर्नी में। पता नहीं कब आएगी वो जर्नी, बस जब आएगी उस जर्नी को भी एंजॉय करना। देखते हैं आगे मतलब कब अमृतसर शताब्दी में जर्नी करने का मौका मिलता है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। पठानकोट।